नमस्कार, ये एक 38 वर्षीय महिला का काम है और इन्हें अपने हेल्थ के बारे में जानना है और आने वाली जीवन में जो भी मेजर हाइलाइट्स क्या रहेंगे उसके बारे में जानना चाहते हैं। कोई ख़ास प्रश्न इन्होंने किया नहीं है, फिर भी मैं बात करूंगा आपके सारे पहलुओं पे। वैसे एक नज़र पे बोलूँ तो आपका हाथ बहुत उत्तम कंडीशन में है, धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा आपका हाथ मुझे दिखता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली आपकी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है और पहला वाला टिप आपका लंबा दिखता है बाकी टिप के कंपैरिजन में। ये बताता है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आप बुद्धि से बहुत तेज हैं और माइंड लाइन के साथ में भी आप कनेक्शन देखें इसका तो काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान देखे जाते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरे को एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं, ऐसे लोग सलाहकार अच्छे होते हैं, ये चीज़ रहता है। और ऐसे जब भी उंगली लंबी हो फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो ऐसे लोगों को घर को व्यवस्थित करके रखना, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, याद शक्ति, ये जो चीज़ें हैं इनकी बहुत अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, ये उंगली से थोड़ा हटके चल रहा है तो ऐसे लोग जो है ना, एक परंपरागत जो सोच चली आ रही है, जो परिपाटी चली आ रही है उस पर चलना इनको पसंद नहीं आता। ऐसे लोग समथिंग न्यू, ऐसा यानी आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाले जो लोग होते हैं ऐसे लोग देखे जाते हैं। इनका जो सोच है दूसरों से हटके होता है और इनका बाकी चीज़ों में भी, जैसे पहनने ओढ़ने में भी इनका टेस्ट जो होता है, कुछ हटके करने की हमेशा इनकी चाहत होती है। ऐसे लोग कुछ हटके करना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, इनकी गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर रहता है। ऐसे लोग बहुत जीवन में फास्ट काम करने वाले, फास्ट निर्णय लेने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। अगर ये कोई, जैसा कि मान लीजिए कोई जॉब करता है तो ऐसे लोगों को जीवन में तरक्की बहुत जल्दी मिलती है, फास्ट तरक्की मिलती है ऐसे लोगों को। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि सूर्य की उंगली और हल्की तो कहीं ना कहीं टिल्टेड है शनि के साइड में, तो अच्छे प्रबंधक होते हैं। कोई भी अपना समय या ख़राब समय आया तो इन लोग अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालने में माहिर होते हैं, तो ये अच्छे मैनेजमेंट का गुण इनके हाथ में देखा जाता है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, इनके हाथ पे यहाँ पे तिल बना हुआ है, सूर्य की उंगली में आप देख पा रहे हो यहाँ तिल है। सूर्य की उंगली में तिल जो रहेगा तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है, ये बहुत बेकार है। ये आपकी मान सम्मान, यश की उंगली है, उस पर अगर तिल आए तो आपके जीवन में एक न एक बार, चाहे छोटी हो या बड़ी, वो डिपेंड करता है आपकी रेखा की काट पे की कितनी मोटी उसने काटी है, तो फिर भी ये आपको एक बार इंसल्टिंग मोमेंट लाइफ में क्रिएट करता है, अपमानित फील कराता है एक ना एक बार, तो ये ऐसा योग एक बना हुआ। दूसरा आपकी शनि की उंगली पे कट है, तीसरा आपकी गुरु की उंगली पे कट है, तो आपकी तीनों मुख्य रेखाओं पे कट है, आपकी खाली बुध की उंगली पे खड़ी रखी रहे हैं, जो ये बताता है कि आपका धन संचय की तरफ में और प्लानिंग की तरफ में, आपका बुद्धिमत्ता की तरफ में, आपकी वाक शक्ति की तरफ में बहुत अच्छा मीठी बातें इन लोग करते हैं। इनकी अपनी वाणी से दूसरे को प्रभावित कर लेना ऐसा इनका देखा जाता है। बुध की उंगली पे इतनी सारी पॉजिटिव, बाकी सारी उंगलियों पे एक कट लगा है, तो ये जो कट है सबसे मोटी कट इन दोनों पे लगा है और इस पे जो कट है बहुत महीन है, तो ये समझ में आ रहा है कि हुआ लेकिन बहुत बड़ा मैटर नहीं हुआ, ये भी समझ सकते हैं आप। दूसरा चीज़ देखिए, अब इस पर मैं बात करता हूँ ये दोनों कट पे। मैंने आपको पहली नज़र में कहा कि आपका हाथ धन की दृष्टि से बहुत उत्तम है और वाकई में आपके हाथ में धन की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। जब मैं भाग्य रेखा पे आऊँगा तो मैं बात करूँगा। तो हमारी ये शनि की उंगली हमारी धन की स्थिति को बताती है कि हम जीवन में धन, अगर यहाँ पे कट लगा है तो ये बोला जाता है कि धन के आगमन में परेशानियाँ आती हैं, धन के मामले में आदमी थोड़ा संघर्ष करता हुआ दिखता है, लेकिन आपके साथ में वैसा नहीं है। तो मैं आपको उस उंगली के पहले गुण बताते चलूँ। जब कभी शनि का उंगली ऐसा एकदम सीधा हो तो पहले ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसे लोगों को घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं आता है, जो भी है सीधा सुनना, सीधा बोलना ऐसे लोग पसंद करते हैं। दूसरा चीज़, शनि न्यायप्रियता भी है, शनि न्यायप्रियता है, तो शनि बताता है कि ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, ये अपने साथ साथ दूसरे के साथ भी अन्याय होता देखते हैं तो अपना मुंह बंद नहीं रख पाते, कुछ ना कुछ तो उसका हेल्प करने के लिए या सही के पक्ष में बोलने के लिए इन लोग का मन हमेशा करता है, तो ये न्यायप्रिय होते हैं, यानी दूसरे की तरफ में अन्याय की भावना नहीं होती ऐसे लोगों के साथ में। तीसरा चीज़, शनि हमारी शरीर में कामुकता का भी कारक बनता है, ठीक है ना, तो ये कामुकता के तरफ में है, तो ये बाधा कामुकता के तरफ में, यानी फिजिकल
सेटिस्फेक्शन लेवल में जो होना चाहिए वो लेवल में नहीं होने के कारण से भी ऐसा कट देखा जाता है। केवल धन की दृष्टि से हम देख के अगर बात करें तो हम यही गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो धन की दृष्टि से केवल नहीं देखना है, भाग्य रेखा बाकी चीज़ें, धन की दृष्टि बहुत अच्छी है इनके हाथ में, जैसे आप देख पा रहे हैं एक भाग्य रेखा यहाँ से जा रही है, एक भाग्य रेखा यहाँ से जा रही है, बचपन से ही दो दो भाग्य रेखा है, ये बताती है कि आपके बचपन से ही। और शुक्र का एरिया देखिए कितना शानदार, शुक्र को इतना बड़ा लंबा एरिया दिया, पूरा शनि अंदर कवर हो रहा है इस एरिया के अंदर में। तो धन तो बहुत अच्छा रहा इनका स्टार्टिंग से, अच्छे घर में कुल कुटुंब में इनका जन्म हुआ होगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी रही है शुरू से अंतिम तक, अभी तक धन में कोई प्रॉब्लम मुझे दिखता नहीं है। अब इसकी माइंड लाइन भी आगे देखें तो माइंड लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत स्ट्रांग माइंड लाइन है अभी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे दिखता है, इनके हार्ट लाइन पे। जब हार्ट लाइन में ऐसा गुच्छेदार हार्ट लाइन हो तो ये आदमी इमोशनली परेशान है, और इमोशनली आदमी शनि पे अगर कट लगा है तो इमोशनली कनेक्शन केवल वहीं से हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके कारण से ये असंतोष आपके जीवन में है और उसके कारण से ये कट आपको शनि पे दिखता है, बाकी धन की दृष्टि से आपका उत्तम कंडीशन चला। अब ये देखिए गुरु की उंगली कितनी बेंड है, जब ऐसी गुरु की उंगली बेंड होती है ना तो ऐसे लोग धार्मिकता बहुत अच्छी खासी है इनके अंदर में देखी जाती है। बहुत देर तक बैठ के पाठ करना, बहुत आराधना करना, हनुमान भक्ति के तरफ में जाना, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको बताती हैं। साथ में ऐसे लोगों के अंदर में मानवता भी अधिक होता है, दूसरों के प्रति उदार होते हैं, इनकी सोच बहुत अच्छी होती है, आध्यात्मिक गुणों को लेकर चलने वाले लोग ऐसे लोग देखे जाते हैं। एक प्रॉब्लम आता है जब कभी भी ये उंगली ऐसी बेंड हो बहुत ज़्यादा, तो धार्मिकता के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अगर हार्ट लाइन आपकी ऐसी चल जाए, साथ में इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बने, तो ये प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे लोग बड़े किसी काम को स्टार्ट तो बड़े जुनून से करते हैं, बहुत जुनून से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद में वो जुनून चला जाता है, केवल वो काम बच जाता है, फिर वो दोनों का तालमेल नहीं होने के कारण से वो काम बंद हो जाता है। मतलब क्या होगा, एक काम स्टार्ट किए, कुछ चार कदम चले कि फिर इनके मन में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जुनून ही ख़त्म हो जाता है, फिर वो काम छोड़ देंगे, फिर दूसरा काम चालू करेंगे, फिर उसको करेंगे, फिर उसको भी छोड़ देंगे। तो ये इस टाइप का एक्टिविटी ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है जब ये कॉम्बिनेशन कारण से, तो इसके कारण से ऐसे लोग जो है ना थोड़े परेशान रहते हैं, अपने टारगेट को खुद करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते रहते हैं, अपने आप में ही पजल रहते हैं, ये भी परेशानी ऐसे लोगों के साथ देखी थी। ये केवल टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने घर की जो जैसे घर का रखरखाव भी कर रहे हैं, लेडीज़ हैं तो आप देखेंगे घर में भी आपका ये आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती होंगी, कुछ काम की स्टार्ट किए फिर दूसरा कुछ काम, ऐसा पजल थोड़ा रहते होंगे आप। अब उसके बाद में बात करता हूँ मैं आपके अंगूठे पे। देखिए अंगूठा बहुत ही शानदार अंगूठा आपका है, जब ऐसा शानदार अंगूठा लंबा लिया, अब बहुत लंबा अंगूठा है, ये आपको धन की स्थिति को बताती है। जब अंगूठा इतना लंबा हो तो आपका धन का स्थिति बहुत अच्छा रहेगा, साथ में बहुत नुकीला है और इसमें कोई प्रकार का कट नहीं टॉप फेलेंच पे, और काफ़ी हद तक लंबा है, तो कार्य करने की प्रति जिद अच्छी है, इच्छा शक्ति आपकी अच्छी है, आप अच्छे प्लानर हैं, आपका प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक इसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी मैं जोड़ता चलूँ, इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं इसमें अंगूठे पे कोई बुराई नहीं, 99% अच्छा मैं बोलूँगा, 1% इसमें थोड़ा दोष क्या आता है, जब ये थोड़ा ज़्यादा लंबा रहता है ना तो ऐसे लोग क्यों क्या कैसे कब, ये जो प्रश्न है ना ये ऐसे लोगों के मन में ज़्यादा आता है, ज़ोरा से ज़्यादा एनालिटिक्स करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों में मीन मेक निकालने का भी आदत होता है, उसने ऐसा बोला क्यों बोला मेरे को कैसे बोल दिया, इस टाइप का जो होता है ना ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी ज़्यादा लड़कियों की बात कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा देखी जाती है, तो ये थोड़ा रहेगा आपके साथ में। और ये जब जान गए आप तो इस पर आपको वर्क करना चाहिए, आपको इसको लेके परेशान नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके हाथ में ससुराल से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, ससुराल से प्रॉब्लम मतलब कि वो जो तालमेल में हो सकता है, आप ये आपकी हार्ट लाइन जिस हिसाब से है और उस हिसाब से ये आपका ऐसा दोनों का कनेक्शन क्या हो रहा है, ये आप इमोशनली जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को बाई छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर लगा के चलने वाले आप इंसान हैं, ऐसा मुझे हार्ट लाइन से दिखता है। और जब ऐसी स्थिति बने ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपको परेशान करके रखेंगी, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, आप इसको नेगलेक्ट करने का आदत डालिए, आपके लिए ज़्यादा सही होगा। बाकी देखिए मैं बात करता हूँ आपका पर्वतों पे, तो पर्वतों पे जब देखते हैं इनकी एक यहाँ पे ट्रायंगल, सुंदर सी ट्रायंगल बन रही है पहला चीज,
जो बताती है कि बुद्ध से रिलेटेड यानी कि वाक शक्ति और मनी मैनेजमेंट, जो मैंने आपको टॉपिक बताया बुद्ध से रिलेटेड, उसमें आप बहुत प्रवीण हैं, उसमें आप बहुत अच्छा करते होंगे। और साथ में यहाँ पे खड़ी लकीर भी है, खड़ी लकीर बताता है और पर्वत में कोई प्रकार का काट नहीं, सुंदर पर्वत है और उंगलियों पे खड़ी रेखाएं भी बन रही हैं, तो ये बताता है आपका फिजिकल अपीयरेंस को। तो ऐसे लोग देखने में भी सुंदर होते हैं, काफ़ी आकर्षक इनका व्यक्तित्व होता है, अवाणी भी आकर्षक होती है, ऐसा इनके साथ में होता है। दूसरा एक चीज़ है, यहाँ पे देखो इनका पर्वत यहाँ पे जाके शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये सेक्शन में फुलाव आ रहा है। जब ये सेक्शन में फुलाव आता है तो ऐसे लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। अब खास करके अब ये जो इनके साथ में जो कॉम्बिनेशन हार्टलाइन का बन रहा है, अब इनकी तारीफ सुनने में इनको बहुत मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि हार्टलाइन तो है तो इनकी गुरु के नीचे तक, तो थोड़े रोमांटिक इनका स्वभाव रहेगा, रोमांटिक है, इनका स्वभाव काफ़ी रोमांटिक है। और जिस और साथ में हाथ में अगर सबसे ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट है तो शुक्र है, शुक्र वैसे भी रोमांस का ग्रह है, तो इनका समझ के चलिए कि इनका स्वभाव रोमांटिक है। अब रोमांटिक स्वभाव में अगर आप तारीफ करते हैं तो ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ये हैप्पी फील करते हैं ऐसे फील्ड में। लेकिन जैसे इनकी कोई बुराई करे तो अब ये हार्टलाइन का दोष इनको हावी कर देता है, तब ये मेरे को ऐसा क्यों बोले, मेरे को ऐसा क्यों कहे, ऐसा जो मन में क्वेश्चन आता होगा आपके, वो छोटी छोटी बातों को फिर आप घर करने लग जाते हैं दिमाग में। तो ये हार्टलाइन के ख़राब होने के कारण से ये चीज़ें आपके साथ में होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको आराम से आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर छोटी छोटी बातों को रखने से आदमी फालतू में टेंशन में आता और कुछ नहीं। अभी देखते हैं आपका सूर्य एक आपके गड्ढे पे गई, तो एक बार मानहानि ऐसे टाइम में कराती है जब कभी डबल हो, तब की बात पे बोल रहा हूँ, सिंगल हो तो यह व्यापारिक, हाँ एक और भी है, ये व्यापारिक सोच भी देती है इंसान को। ऐसे लोग जो है व्यापार में कुछ हमेशा अपना कुछ करना चाहते हैं, इनको लगता है ना कुछ अपना करूं, अपना दम पे कुछ करूं, ऐसी भी फीलिंग इनके मन में आते रहती है ऐसे लोगों के मन में। दूसरा चीज़ आपकी सनलाइन काफ़ी अच्छी है, सनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सनलाइन फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो जीवन में यश मान सम्मान मिलेगा और साथ में एक सपोर्टिंग लाइन भी है, तो जो इसके गुण को और बढ़ाती है। तो जीवन में यश मान सम्मान आपको अच्छा रहेगा, अच्छे कुल खानदान में आप थे बचपन से और अच्छे घर खानदान में आपका एंडिंग भी होगा। ये आपको दो लाइनें हैं। विद्या रेखा है, तो आप ऐसे लोग बेसिक नॉलेज इनको अच्छा होता है जीवन में, अच्छा ज्ञानी बोल सकते हो, जिस भी फील्ड में रहते हो उसमें ज्ञान अच्छा रहते हैं, लेकिन डबल होने के कारण से ये थोड़ा दोष उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों को अभिमान भी होता है अपने ज्ञान का, तो अभिमान तो कहीं भी किसी भी एंगल से अच्छा नहीं होता है, केवल स्वाभिमान ही अच्छा होता है, अभिमान अच्छा नहीं। तो इसमें आप जो है ना थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, क्योंकि ये आपको नहीं दिखता होगा, ये आपके सामने जो आदमी बात करता है वो फील करता होगा आपके अभिमान को, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। ये डबल रेखा कभी भी अभिमान को दिखाती है, घमंड होता है अपने ज्ञान पे ऐसे लोगों को। दूसरा चीज़ ये और ये डबल आपका गुरु वाला है, डबल गुरु वाला जब भी बनता है तो ऐसे लोग धार्मिक तो होते ही होते हैं और धन की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों के पास धन का। ये ऐसे लोग कभी धनी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, धनी ही होंगे ऐसे लोग, पहला चीज़। दूसरा चीज़ धार्मिकता भी कूट कूट के भरी होती है, जन सेवा मानवता के लिए काम करना इनके मन में जुनून चलते रहता है, इनके बस में रहे तो ये ज़रूर करेंगे ऐसा इनके सोच रहती है। तीसरा चीज़ आपको हार्ट लाइन में आप देखोगे एक पतली सी लाइन और चल रही है, हार्ट लाइन के बाजू में पैरेलल लाइन है, हार्ट लाइन की पैरेलल लाइन है, ये डबल डबल हार्ट लाइन बोल सकते हो आप इसको, लेकिन ये पूरक लाइन है, सप्लीमेंट्री लाइन है इसकी। अब ऐसा समय में क्या होगा, ये आदमी को ओवर इमोशनल बनाता है। एक तो ये इमोशनल तो थे आप, लेकिन अनबैलेंस थे, अब उसमें ओवर इमोशनल हो गए और ऊपर से अनबैलेंस है, तो ऐसे समय में आदमी इमोशनली चीज़ों अपनी बिना मतलब की चीज़ों में इमोशनली आदमी थोड़ा सा सोच के ही परेशान हुए रहता है, और होता है एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छी चीज़ें भी है। ऐसा आदमी बहुत दयालु होता है, बहुत धार्मिक होता है, भावुक होता है, इमोशनल होता है, हमेशा छोटी सी बात इनको बोल दो कि आँख से पानी निकलना चालू, ये थोड़ा नेगेटिव साइड आता है। ऐसे लोग थोड़ा बहुत जल्दी आँखों में आंसू आ जाता, ऐसे लोग होते हैं ना, ये ऐसे लोग देखे जाते हैं जो रहते ज़्यादा और इमोशनल। बाकी शनि का पर्वत, शनि का पर्वत आपका सही है, शनि में कोई प्रॉब्लम नहीं, शनि का पर्वत फ्लैट है, मेहनत का गुण आपके परिश्रम करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफ़ी, वो एकदम क्लियर कट आपके शनि पे दिखता है। और शनि पे आपकी खड़ी रेखा भी है, शनि की रेखा,
ये भाग्य रेखा तो ये हुई आपकी, ये शनि की रेखा है प्रॉपर तरीके से। जब शनि की रेखा प्रॉपर तरीके से बने तो शनि आपको बुढ़ापे का ग्रह का कारक है, बुढ़ापे का कारक है, बुढ़ापे में आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी और आप, ये आपकी संतोष की रेखा बोलते हैं, शनि को संतोष की भी रेखा बोलते हैं। तो ये आपको जीवन में संतोष यानी कि मिलेगा, तो संतोष मिलेगा मतलब आप अपने जीवन में जो आप करना चाहते थे वो सारा चीज़ अपने ओल्डर एज में आप करके संतोष फील करेंगे, ये आपका शनि की रेखा गवाही देता है। अब ये जड़ पे बात करें तो जड़ आपका धनुषाकार है, धनुषाकार जड़ जब भी बनता है तो ऐसे लोग जो है सोच समझ कर काम करने वाले होते हैं। अब ये क्वालिटी आपकी अंगूठे यहाँ और बढ़ा रही है, ये ज़रूरत से ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग डिसीजन लेने में थोड़ा लेट लगाते हैं, मैंने ज़रूर कहा है कि ऐसे लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर थोड़ा अपोजिट भी आ रहा है तो कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल फंसते होंगे, कुछ चीज़ों में आप जल्दी कर लेते हैं नो डाउट, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जहाँ पे कुछ नवीन चीज़ें आती होंगी तो वहाँ पे आपका दिमाग बहुत दौड़ता होगा, हाँ ना वाली स्थिति बहुत जनरेट होती होगी, तो ये भी है। दूसरा चीज़ है आपका, देखिए आप, मैं बात करता हूँ मंगल पर्वत पे, तो बाहरी मंगल का पर्वत बहुत अच्छा है, मानसिक कोई प्रकार का एक सिंगल रेखा भी नहीं, एकदम चिकना बढ़िया से, इस टाइप की जब आपकी रेखा हो, ये पर्वत हो मंगल का, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बड़े बलिष्ठ होते हैं, कितना भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है ना तो जल्दी से हकमकाते नहीं है, उसका दृढ़ता से सामना करते हैं, आपका मानसिक साहस है, ये आपका शारीरिक है, शारीरिक बल है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा थुलथुला ज़्यादा हो रहा है, हालांकि ठीक है मोटा मोटी चलेगा, लेकिन फिर भी है थोड़ा सा, और उतना अच्छा नहीं बोलूँगा, जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से ये आपका ये नहीं है, तो इम्यूनिटी पावर में थोड़ी सी कमी है। और जब हार्ट लाइन के साथ इसको अगर जोड़ोगे तो ऐसे लोगों को बचपन में जब 12 साल तक रहेंगे ये, तब तक ऐसे लोगों को सर्दी बहुत होता है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सताता है, बार बार सर्दी होना यानी कि सांस से संबंधित बीमारी ऐसी कुछ भी देती है, कफ से या सांस से संबंधित बीमारी ऐसे लोगों को देखा जाता है, और ये 12-15 साल तक रहता है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और उसके बाद देखो आप माइंड लाइन पे, माइंड लाइन एकदम सीधा आके खड़ा है, जब ऐसा एकदम स्ट्रेट माइंड लाइन हो, ऐसे लोग थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं, मैंने पहले ही कहा है ये, और ये थोड़ा सा अड़ियल इनका स्वभाव होता है। और दूसरी चीज़, ये कोई मतलब अगर मान भी जाएं तो ये अंदर से नहीं माने रहते हैं, ये हमेशा इनकी कोशिश में रहता है, कोई आदमी बोल दिया तो हो सकता है उसके सम्मान के लिए चुप हो जाएं, लेकिन इनके दिमाग में चलते रहता है कि कैसे भी तरीके से प्यार से अपना इस वाक् शक्ति का उपयोग करके बाद में धीरे से उसको साबित करने के में पूरा इनका, पहले इनका ध्यान पूरा साबित करने में रहता है, ये इग्नोर नहीं करते उसको, फिर साबित करना ही है इनको, चाहे अभी नहीं करेंगे तो 4 दिन बात करें कि 4 महीना बात करें, लेकिन इनको चैन तभी आएगा जब ये साबित कर लेंगे, ये इस टाइप का थोड़ा सा रहता है ऐसे लोगों को, ठीक है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को खास करके कमर की, कमर में दर्द होता है, ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह में खड़े होने में इस टाइप का जो काम है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आता है, माइंड लाइन का स्ट्रेट होना आपको कमर दर्द से रिलेटेड चीज़ों में परेशानी देता है। बात करते हैं आपके शुक्र पे, मैंने शुक्र पे पहले ही बोला है, बहुत सुप्रीम कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त शुक्र है आपका, तो जीवन में लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें आपको मुहैया होंगी, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी, केवल इस बाधा के कारण से आपके हार्ट लाइन को जो डिस्टर्बेंस बना हुआ है मैं उसको समझ सकता हूँ। तो मैं इसके लिए आपको एक ही लाइन बोल के छोड़ूंगा, आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है और अच्छा ही किया है, ये कंप्रोमाइज़ करना, मैं जिस लेवल का आपने कंप्रोमाइज़ किया है वो अच्छा, काफ़ी उच्च स्तर का कंप्रोमाइज़ आपने किया है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपके शुक्र को देख के, आपकी हार्ट लाइन को देख के, आपकी माइंड लाइन बहुत ही स्ट्रांग है, मंगलिक मंगल आपका बाहरी स्ट्रांग है, इसीलिए आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सेटल कर लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ में लग्जरी सी सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, और चंद्रमा पे बात करें, चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा में भी कोई परेशानी नहीं है, जीवन में दूसरों का, दूसरे लोगों का सहयोग मिलेगा, एक राजयोग भी बन रहा है, चंद्रमा के नीचे से जाके रेखा ऊपर खड़ी हो रही है, अपने आप में राजयोग होता है, जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, और आप पानी वाली चीज़ें, बागवानी, प्रकृति प्रेम, ऐसे जो चीज़ें हैं उनसे ऐसे लोगों को लगाव होता है, माता के पक्ष से लोगों को लगाव होता है, माता से ऐसे लोगों को प्रॉफिट भी होता है जीवन में, ऐसा आप देख के समझ सकते हो, बाकी चंद्रमा में कोई शिकायत नहीं है। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पे, जो आपके मुख्य प्रश्न है उन पे भी आता हूँ मैं,
तो देखो जैसे मैं देखता हूँ ना जीवन रेखा में, यहाँ तक जीवन रेखा थोड़ी तो बिखर गई है आपकी जीवन रेखा की। जिस हिसाब से आपकी हार्ट लाइन दिख रही, भले टूटी है लेकिन क्लियर कट दिख रही है आपकी हार्ट लाइन, धुमली नहीं है, फैली हुई नहीं है। आपकी माइंड लाइन भी बहुत सुंदर दिख रही है, एकदम क्लियर कट, लेकिन उस हिसाब से आपकी जीवन रेखा में धार नहीं है। जीवन रेखा कहीं ना कहीं यहाँ तक पूरा आपका बहुत ही मतलब धुंधला सा फैला हुआ सा चल रहा है। जब कभी वैसी जीवन रेखा धुंधली फैली हुई चले और ऊपर से गोल नहीं है, ऐसे राउंड होना चाहिए, ये गोल नहीं है, तो ये जब भी सीधा गिरने लगे या थोड़ा सा कर्व कम होने लगता है, ऐसे लोगों को पारिवारिक असंतोष आने लगता है। यानी कि गृहस्थी की रेखा भी, अगर ये रेखा भी ख़राब हो तो ऐसे लोगों को गृहस्थी में बहुत प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनको असंतोष कहीं ना कहीं से देखना पड़ता है अपने घर गृहस्थी में, पारिवारिक जीवन में, तो ये भी रहता है। दूसरा चीज़ ये स्वास्थ्य की इंडिकेशन भी है, आपका जीवन रेखा है, जीवन की मुख्य धारा है आपकी, तो ये भी अगर इस टाइप से मिलेगा तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी परेशान देखे जाते हैं ऐसे लोग। हालांकि मंगल रेखा है तो आप जो भी बीमारी आ रही है उससे निजात पा जाते हो, लेकिन ये बार बार फ्रीक्वेंसी कराएगा क्योंकि ये पतली हो रखी, बहुत धूल के फैल के चल रही है, ऐसे समय में आदमी को थोड़ा ना परेशानी देते रहता है। तो स्वास्थ्य से आप थोड़ा सा मैं कहूँगा, और उससे भी मैंने कहा ना ये भी थोड़ा थुलथुला है, तो इम्यूनिटी पावर भी उसी लेवल में नहीं है, तो आपको बार बार परेशानियाँ आएंगी, स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट देखा जाएगा। अब मैं आपके एज पे बात करता हूँ। देखिए आपकी कुछ जीवन में कुछ मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं, उन पे मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपके हाथ पे इस यहाँ पे एक तिल देखा था जिस पे मैंने चर्चा किया अभी। उसके बाद में आपकी जब जीवन रेखा पे मैंने ये देखा, देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एक रेखा आई मंगल से निकलते हुए, इसने काटा और काट के सूर्य रेखा को काट दिया। जब कभी भी ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, मंगल से कोई रेखा निकल के जाके जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जाके सूर्य की रेखा को काट दे, तो ऐसे समय में इंसान को ऐसी कोई घटना ज़रूर सामना करना पड़ता है जहाँ पे उसका इंसल्टिंग मोमेंट होता है, अपमान होता है। ये अपमान किसी भी कारण से हो सकता है, ये हो सकता है कोर्ट कचहरी का मीटर फंस जाए, या हो सकता है कुछ भी, अपमान तो अपमान होता है, या फिर इज्जत पे कोई किसी अपोजिट लिंग के कारण से बात आ जाए, ऐसा कुछ भी घटना हो सकता है। तो ऐसा मैं उस घटना पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये आपको इंसल्टिंग मोमेंट हुआ। और जब इस पे मैं सोचने लगा था कि इंसल्टिंग मोमेंट आया कहाँ से, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 16 के आसपास के एज में भी एक अटैचमेंट की लाइन समथिंग दिख रही है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि इसने काटा है कि अटैचमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ़ोटो से अटैचमेंट है। तो ये इसी ने अपना असर यहाँ दिखाया, मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, बाकी 20 में आपके मैंने जैसे बताया 20 में यहाँ पे परेशानी थी, तो अपन बात करते हैं पहले 15-16 पे। उसके बाद में देखो आप जहाँ पे 20 के पास में एक कट पड़ा, इनको 20 पे एक कट पड़ा, इस कट ने इनको इतना बड़ा सबक दिया, जीवन रेखा यहाँ जाके टूट गई, उसके बाद फिर आगे से दूसरी जा रही है यहाँ से, और फिर वो भी टूटी, फिर तीसरी जा रही, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ज्वाइंट नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप टूटा है, यहाँ पे एक टूटा। आप जब भी ऐसा दिखे कि काट पड़े और जीवन रेखा टूटे, तो इसका मतलब आदमी उस समय में जीवन में परिवर्तन करता है, अपनी सोच में परिवर्तन करता है, अपनी विचारधारा में परिवर्तन करता है। तो विचारधारा में क्या परिवर्तन किया, इसने चोट खाया और उस चोट से सबक मिला, और इन्होंने अपना पूरा जीवन का नज़रिया बदला होगा, पॉजिटिव किया होगा, नेगेटिव नहीं किया, क्योंकि यहाँ से प्रोग्रेस लाइन बन के आ रही है, ऐसी आ रही प्रोग्रेस लाइन ऐसे है, तो यानी कि पॉजिटिव बदलाव आया और वो बदलाव इनके लिए सकारात्मक गया है। फिर वो बदलाव के साथ में ये चले हैं 2 साल, फिर उसके बाद इनको जीवन में प्रोग्रेस हो गया और इनकी एक शादी, यानी कि 23-24 साल की एज में इनकी शादी हो गई। यहाँ से आपकी मंगल रेखा का जुड़ाव भी जीवन रेखा से दिखता है, यहाँ पे आपकी मैरिज हो गई, और जैसे मैरिज से 1 साल हुआ इनको, तैसे इनके जीवन में एक परेशानी भी आई, यहाँ पे कट भी पड़ा है, यानी शादी के समय से साल भर के अंदर में भी एक कष्ट इनको जीवन में आया होगा, एक राहु रेखा की मार पड़ी, कुछ परेशानियाँ आई होंगी। उसके बाद आप देखेंगे तो 28 के एज में ये ट्रैवल किए, कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, और ये 27 के एज में भी थोड़े परेशान थे। आज अब 27 साल की परेशानी को जाके देख तो बहुत ज़्यादा जड़ से आ रही, हो सकता है फिर से ये जाके आपको कुछ ससुराल से रिलेटेड परेशानी कुछ आई होगी, या फिर कुछ भी ऐसा मैं वो बोलना सही नहीं होगा अभी, इस पे इसको छोड़ देता हूँ, इस रेखा में क्लियरिटी नहीं है इसलिए मैं उस पे बात नहीं करता। हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि आप 28 के एज में
कहीं दूर घूमने गए होंगे, कुछ ट्रैवल कराया होगा, टूर ट्रैवल हुआ होगा आपका। 28 के बाद में आप देखोगे 33 का एज में भी आप 33-34 के आसपास में मान लो, वहाँ पे थोड़ा सा फिर से ससुराल से रिलेटेड पारिवारिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी आपको फिर से आया था, आप उस समय भी परेशान थे और इसने आपको मानसिक पीड़ा दी है, यहाँ पे भी कट लगा है माइंड लाइन पे। तो 34 के आसपास के एज में कुछ ज़्यादा आप परेशान थे उस समय और आप जो है ना इनकी बातों को हजम नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा मानसिक रूप इमोशनली परेशान थे और उसको लेके काफ़ी देर बैठे थे। ये करीबन 5-6 महीने का पीरियड आपको अच्छा नहीं गया होगा। उसके बाद में अगर आप आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं ये आपका 40 के एज में, अब यहाँ तक 40 के एज तक के मैं बात कर रहा था, ये यहाँ पे आप देखो यहाँ पे पूरी जीवन रेखा एकदम पतली सी मिट गई है, एकदम यहाँ पे गायब सी दिख रही है, हल्का एकदम बहुत हल्का महीन हो गई है। जिस हिसाब से यहाँ पे दिख रही है उस हिसाब से यहाँ नहीं, जैसे यहाँ भी इस रेखा में दिख रही है वैसे ये रेखा नहीं दिख रही है। तो ये आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ जो है 40 तक तो ज़्यादा रहेगी और 40 के बाद में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आपको आएगा, 40 से आपका 45 के एज में आपको एक अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, 45 का एज अच्छा रहेगा, लेकिन आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, एक कुछ सेटबैक मिलेगा और फिर प्रोग्रेस भी मिलेगा, दोनों चीज़ें पैरेलल होंगी याद रखना, कुछ सेटबैक भी मिलेगा और प्रोग्रेस भी मिलेगी 45 के एज में। तो 40 तक तो खास करके थोड़ी सी अभी ज़्यादा परेशानी रहेगी, 40 के बाद में 40 से 45 तक में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये मान के चलिए। देखिए उसके बाद मंगल रेखा का प्रभाव बढ़ रहा है, जीवन रेखा भले ही मिट रही है लेकिन मंगल रेखा का प्रभाव बढ़ रहा है। अब उससे पहले मंगल रेखा की भी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए दोनों का कंडीशन ऐसा होने के कारण से आपको वो बार बार फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्वास्थ्य के लेवल में बढ़ी थी, अभी थोड़ा सा मजबूती है मंगल रेखा का तो सहयोग मिलेगा और बेटर होगा। आप जो है अगर कर सकते हैं ना तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, या शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी की भी पूजा कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। बाकी आपका ओवरऑल मैंने हाथ रीड कर लिया है और आपने कुछ विशेष मुझसे प्रश्न भी किया नहीं है जिस पे कि मैं और ज़्यादा हाईलाइट करूं, लेकिन बस एक ओवरऑल लास्ट आपके माइंड लाइन पे बात करते हुए मैं आपका संदेश जो है मैं देना चाहता हूँ वो आपको बताते हुए निकलूँगा। देखिए माइंड लाइन पे अगर हम बात करें तो माइंड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं बोलूँगा कि माइंड लाइन आपकी ख़राब है, अच्छी माइंड लाइन है आपकी। यहाँ पे 34 के आसपास में एक टेंशन का पीरियड रहा, अदरवाइज आपकी माइंड लाइन में एक ट्रेंगल यहाँ पे बहुत सुंदर सा बना। तो जैसे आप देखेंगे कि आपका पीरियड अगर मैं बोलता हूँ इसको 25-28 लगभग 28-29 के एज से लेके, ठीक है ध्यान दीजिएगा 28-29 के एज से लेके 34 और 46 42 लगभग 40 तक का पीरियड, ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड में आपको आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा रहा, आपको उस एरिया से मान सम्मान से लेके चीज़ें अच्छी मिली, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इस पर। और इस 28 से 40 में खास करके 35 से 40 ये जो पीरियड है ये और अच्छा पीरियड है आपका, उसमें भी ये गोल्डन पीरियड मानूंगा मैं इसको, ये और ज़्यादा अच्छा पीरियड आपको धन की दृष्टि से मान सम्मान की दृष्टि से रहेगा या है। उसके बाद में जैसे आप ये 44 पे पहुंच रहे हैं आपको फिर से एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा 45 के एज में भी आपको एक प्रोग्रेस अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मैं जो देख रहा था भाग्य रेखा में भी, तो ये 42 के बाद में आपको एक धन की रेखा एक हो रही है, इससे पहले दो थी अभी एक हो रही है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चल रही है। तो धन की रेखा में तो बहुत अच्छा चल रहा है, धन की रेखा में कोई शिकायत नहीं है, मैंने पहले ही आपके एक लाइन पे कहा कि आर्थिक दृष्टि से आपका हाथ बहुत अच्छा है। अब मैं जो आपको संदेश देना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आपके हाथ में हर जगह से एक एक जगह मैंने खोजा देखा तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि बोले कहाँ से। तो अगर आप इसके बाद में वीडियो देखिएगा, अगर आपको कभी भी कुछ डाउट लगे कि कुछ पूछना चाहिए कुछ बोलना चाहिए तो आप बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। ठीक है, थैंक यू।